बनाना फिश। तो ये जब बनाना फिश नाम जब मैं सुनता हूँ ना, तो मुझे रिग्रेट होता है कि मैं जब ये हायर हुआ था, जब मतलब हायरिंग चालू था, जब ये इसके वीकली एपिसोड आ रहे थे, तो मैं क्या कर रहा था। जब वो आया था तो मैंने इसका नाम सुना था, वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग और मतलब एक अलग ही सा कंफ्यूजिंग टाइप का लगा था कि मतलब क्या है ये, क्यूरियस था मैं। बट फिर मैंने कुछ कमेंट्स देखे उड़ते हुए, और जिसमें एक वर्ड बार बार आ रहा था, और वो वर्ड था यावी। और ये वर्ड सुनता हूँ, मैंने इतने सारे हॉरर मांगा पढ़ी है, बट वो जो माइंड में इमेज आती है ना, वो वर्ड सुनते बराबर वो रोंगटे खड़े कर देती है अभी भी। तो वो सुनते बराबर मैंने इस एनिमे को दूर फेंक दिया था, जैसे ये वर्ड है ही नहीं मेरे लिए। बट कुछ समय पहले मैंने प्राइम मेंबरशिप ली अमेज़ॉन की, और वहाँ पर मैंने देखा ये एनिमे को, और इसका जो पोस्टर था वो थोड़ा इंटरेस्टिंग था, और मैंने सोचा क्यों नहीं इसके एपिसोड को देखा जाए। और मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा, और उसके बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया। तो मैं जानता हूँ आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने बनाना फिश का नाम सुना होगा, और ये वर्ड को सुनते बराबर यावी या बी एल बॉयज़ लव, वो उस वर्ड को सुनते बराबर इसको छोड़ दिया होगा या इग्नोर कर दिया होगा। आपने अगर ये एनिमे को मिस किया, इग्नोर किया है मेरी तरह जैसे मैंने किया था, तो आप बहुत रिग्रेट करने वाले हो इस एनिमे को देखने के बाद, जिस तरीके से मैंने खुद किया था। तो हाँ, ये आप एक तरीके से लीगली भी देख सकते हो अमेज़ॉन प्राइम में। पहले मैं बात करता हूँ इसकी स्टोरी की, ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो कि ये क्या है और किस बारे में है और क्यों आपको ये देखनी चाहिए, क्यों ये एक मास्टरपीस मैं इस एनिमे को कह रहा हूँ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो हेलो भाई लोग, कैसे हो सब? मेरा नाम है राइडर, कॉमेडी में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो बनाना फिश कुछ ऐसे चीज़ों को टच करता है, ऐसे टॉपिक्स को टच करता है जो आप सोच भी नहीं सकते, जैसे कि रेप और मर्डर, या जितने भी सारी चीज़ें आप सोच सकते हो, गैंग वॉर, माफिया, गैंग्स एंड ड्रग्स, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, करप्शन, और जो भी आप सोच सकते हो इस समय, वो सभी टॉपिक्स को टच करता है। और ये उन सभी चीज़ों को बिना किसी मसाला लगाए या एकदम स्पाइसी के बिना दिखाता है, बिल्कुल रियलिटी की तरह, जैसे मतलब असलियत में हो रहा है। ना ही उस चीज़ को ज़्यादा डार्क लेके जाता है, ना ही कुछ उल्टा सीधा नहीं करता आई मीन। और ये मांगा जब मतलब बनी थी एनिमे, में तो अभी कुछ सालों पहले आया, बट इसकी मांगा बहुत पहले आई थी, आई मीन लिटरली 80s की है वो मांगा। तो उस टाइम में ये सब बातें भी नहीं की जाती थी जो इस मांगा में दिखाई गई है, इस एनिमे में दिखाई गई है। तो काफ़ी बड़ी बात है उस टाइम के हिसाब से, और हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो हाँ, इसमें फ़ैन सर्विस नहीं है, माफ़ कर देना। मेरी तरह अगर आपको फ़ैन सर्विस पसंद है, तो भी आपको इस एनिमे को देखना पड़ेगा, बिलीव मी, क्योंकि ये एक वर्थ शॉट है। बट आगे बढ़ते हैं, फ़ैन सर्विस नहीं है यहाँ पे, यहाँ तक कि इस एनिमे में ज़्यादातर लड़कियाँ भी नहीं हैं, यानी गर्ल्स ही नहीं है, तो फ़ैन सर्विस तो दूर की बात है। तो ये स्टोरी है एश लिंक्स की, जो कि एक गैंग लीडर है, और वो बदला लेना चाहता है पापा डीनो गोर्जिन से, जो कि वो है जिसने उसको बचपन से लेकर बड़ा किया है अपने साथ एज अ सेक्स टॉय। ठीक है, तो वो अपने उनसे बदला लेना चाहता है, इस बात का नहीं कि उसको किस तरीके से बड़ा किया, इस बात का कि उसका जो भाई था बड़ा, उसको मार दिया उसने। अब वो किस तरीके से मारा, क्यों मारा, वो सब आपको एनिमे में ही जानोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है, तो जितनी स्टोरी मैंने अभी तक बताया हूँ ना, वो काफ़ी सिंपल लग रही होगी, बट काफ़ी सारे स्टोरी के थ्रेड्स हैं जो कि कैरेक्टर से जुड़े हुए हैं, और जिस तरीके से वो कैरेक्टर्स आते हैं, वो एक पज़ल की तरह सॉल्व होते जाते हैं, और स्टोरी को एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लेक्स देते जाती है। तो या ये बात याद रखना कि काफ़ी सारे थ्रेड्स हैं, मैंने बस एक सिंपल लाइन में इसको एक्सप्लेन किया है, वरना बहुत सारे थ्रेड्स बाकी थे, स्पॉयलर्स के लिए मैंने स्किप किया है। तो बनाना फिश काफ़ी डार्क और मैच्योर थीम को रखता है, जैसा मैंने बताया। तो अगर आपको इन शॉर्ट मतलब अगर आपको ये सब चीज़ ड्रग वगैरह, रेप वगैरह, ये सब में अनकंफर्टेबल फील हो सकता है इन शॉर्ट, तो अगर आपका कमज़ोर दिल है तो ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैच्योर और डार्क थीम है, तो अगर आप बच्चे हो 11-12 साल के, तो इसको स्किप कर दो तो अच्छा होगा। कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर्स में पहले मैं ऐश जो मेन कैरेक्टर है उसकी बात करता हूँ। तो वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि बचपन उसका पूरा नर्क में गुजरा है, जब से वो पैदा हुआ है तब से वो बिल्कुल सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, और वो अपने हाथों को गंदा करने से डरता नहीं है। पर जब टाइम आता है तो वो एक अच्छा इंसान है, वो भी दिखा देता है, मतलब एक अच्छे दिल वाला है, बट उसी सेम टाइम वो डार्क भी होता है। मतलब एक कॉइन है जो एक तरफ नर्क है और एक तरफ स्वर्ग है, ये नॉनसेंस बोल दिया मैंने, बट हाँ सिमिलर। बट दो मेन प्रोटैगनिस्ट आप कह सकते हो, वो है एजी और ऐश।
तो एजी स्टार्टिंग में काफ़ी स्पाइनलेस कैरेक्टर होता है जिसमें बताया बिल्कुल फालतू सा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, बट आखिरी में वो काफ़ी अच्छा एक प्रोटैगनिस्ट निखर के आता है, और क्या चाहिए, काफ़ी अच्छा उसका कैरेक्टर डेवलप्ड होता है। और काफ़ी सारे साइड कैरेक्टर्स भी हैं जो कि काफ़ी सारे गंदे कामों में रहते हैं, बट जब टाइम आता है वो भी दिखा देते हैं कि वो एक इंसान है, यानी ह्यूमन है, काइंड है। तो कैरेक्टर्स के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगा, तो इसके नेक्स्ट एनिमेशन के बारे में बढ़ते हैं। तो इसका स्टूडियो है मापा, मापा के ऊपर मैंने अभी अभी वीडियो बनाई थी कि अटैक ऑन टाइटन्स का जो फाइनल सीजन है वो मापा कर रहा है और वो क्यों अच्छा करने वाला है, तो उसकी भी लिंक विंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखना चाहते हो तो। बट मापा ने रियली काफ़ी अच्छा काम किया है, मतलब जब इसकी मांगा आई थी तो काफ़ी पुराने ज़माने की है, तो उसमें काफ़ी अलग टाइप की थी, और ये जो है पैरासाइट की तरह इसको मॉडर्न बनाया गया है, क्योंकि पैरासाइट की भी मांगा बहुत पुरानी थी, उसको जब एनिमे में अडेप्ट किया गया तो उसको थोड़ा मॉडर्न बनाया गया ताकि वो उस टाइमलाइन में फिट हो, उसी तरीके से एनिमे के साथ भी हुआ है बनाना फिश के साथ, तो काफ़ी अच्छा है। और जो एनिमेशन है वो काफ़ी डायनामाइट ब्यूटीफुल सी है, एनिमेशन बिल्कुल स्मूथ भी है जो कि एक काफ़ी अच्छा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देती है आपको देखते वक्त। अब जो इसकी फाइनल थिंग है वो है साउंड, और साउंड में इसकी ओपनिंग की पहले बात करते हैं, ठीक है। ओपनिंग अमेजिंग है, और ये विजुअल्स जो उसमें आते हैं, जो मतलब ओपनिंग के जो सीन हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। और एक जो फैक्ट है वो ये है कि ये ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं देती अपने एनिमे के लिए, जो कि एक और अमेजिंग बात है, बिकॉज इसको देखने से आपको ज़्यादा फ्यूचर का पता नहीं चलता है या अंदाज़ा नहीं लगा पाते हो आप, तो ये एक अच्छी बात है। मैं हमेशा जब जब एक एक एपिसोड देख रहा था तब तब इसकी ओपनिंग सुन रहा था, और इसका जो एक डायलॉग था वो मुझे काफ़ी पसंद आया, जैसे कि वो था इनसाइड माई हेड, तो वो लाइक बहुत ही ऑसम था। और उसके जो सिंगर है अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा है इस समय, बट वो विनलैंड सागा की भी ओपनिंग जिन्होंने दी है उन्होंने ही इसकी भी ओपनिंग दी है, तो काफ़ी एक अच्छी बात है। मुझे तो जो ओपनिंग्स है वो भी मेकअप से सही है, और दोनों ओपनिंग को मैं बिल्कुल एक एक हर एपिसोड में देख रहा था, तो मुझे काफ़ी पसंद है। एंडिंग भी इनफैक्ट काफ़ी अच्छी थी, एंडिंग का जो सॉन्ग होता है वो भी बहुत ही कैची और मेमोरेबल है, और बैकग्राउंड म्यूज़िक जब फाइटिंग के वक्त बिल्कुल वर्थ बना देती है फाइटिंग सीन को, तो वो भी एक अमेजिंग बात है। तो ओवरऑल आई लव बनाना फिश, माई वन ऑफ माई फेवरेट अंडररेटेड एनिमे में से एक है ये। और हाँ, मुझे काफ़ी दुख होता है कि काफ़ी सारे लोगों ने इसे यावरी एनिमे सोच के, यावी एनिमे सोच के छोड़ दिया या स्किप कर दिया या इग्नोर कर दिया, काफ़ी दुख होता है उन लोग के लिए, क्योंकि अगर वो लोग इस एनिमे को देखेंगे तो उनको प्रॉपरली रिग्रेट होगा, जैसे मुझे हुआ था, क्योंकि मैंने भी इसको स्किप कर दिया था वही वर्ड सुन के। तो आप ऐसी गलती मत करो, ऐसा एक भी एपिसोड में नहीं होता है कि मुझे बिल्कुल ये फिलर लगा या कुछ ऐसा लगा जैसे कि बोरिंग टाइप, नहीं, हर एपिसोड इसका इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक एपिसोड ख़त्म करोगे तो नेक्स्ट देखने का ऑटोमेटिक मन करेगा आपका, तो ये वर्थ शॉट है, आप इसको ज़रूर देखो। ये बिल्कुल एक अंडररेटेड हीरे टाइप है जो कि छुपा हुआ है, जस्ट आपको देखना है। तो ठीक है, ये रिव्यू यहीं पे ख़त्म होता है, बट वीडियो को लाइक कर दो जाने से पहले, और हाँ कमेंट करो अगर आपने ये एनिमे देखा है तो, और अगर देखने वाले हो तो, और क्या सोचते थे आपने, क्या कमेंट पढ़ा था इसके बारे में, मुझे काफ़ी खुशी होगी ये सब जान के। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, 2000 का गोल है अपना, 2000, तो 2000 गोल है, 2-4 हो गया, ये 4000 का गोल, कट का। बस आज की वीडियो में इतना ही था, और अगर मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, अगर आपके पास कोई सजेशन है या कोई ऐसा एनिमे है जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं रिव्यू दूँ तो कमेंट करो, वो भी बिल्कुल। तो चलो, तो वीडियो को शेयर कर दो अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसने कहा था ये एक यावरी एनिमे है या समथिंग लाइक दैट। बस तो ये वीडियो के लिए इतना ही था, जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, एनिमे हमेशा देखते रहें, और मांगा भी रीड करते रहें, बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, जल्दी बाद में मिलता हूँ, बाय।